आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक नई वैकेंसी के लिए। ये नई वैकेंसी आती है यूपी पीसीएल में। सबसे खास बात कि ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए होगी। इसका मतलब ये कि किसी भी स्टेट के कैंडिडेट इसका आवेदन कर पाएंगे। बात करें उम्र की, तो इसके लिए आपकी उम्र 21 से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो ये फार्म है यूपीपीसीएल से और ये भरना शुरू हो चुका है 6 नवंबर से। इसका अंतिम डेट होगा 30 नवंबर 2018 और इसी दिन तक आप इसके फीस का पेमेंट भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप इसे कंप्लीट भी कर पाएंगे 30 नवंबर तक, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वह दिसंबर के सेकेंड वीक में हो सकता है। दिसंबर के पहले वीक में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेटों को देना होगा 1000 रुपये, एसी एसटी के कैंडिडेट 700 रुपये देकर इसका आवेदन कर पाएंगे। बात करें पीएच कैंडिडेट की, तो इन्हें केवल 10 रुपये का आवेदन देना होता है। यहाँ पे बात करें पोस्ट की, तो ये पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की और यहाँ पे कुल मिला के 299 पोस्ट है। इसके लिए उम्र होनी चाहिए 21 से 40 वर्ष और ये काउंट की जाएगी 1/7/2018 के दिन। बात कर लें योग्यता की, तो इसके लिए कैंडिडेट के पास बीई या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करें ब्रांच की, तो यहाँ पे कुल मिला के 4 तरह के ब्रांचों के लिए पोस्ट है। पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, उसके बाद अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और चौथा है सिविल। मतलब कि अगर आपके पास इन चारों ट्रेड में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या फिर बीटेक है तो आप इसका आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो इसका नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप वहाँ से जाके इसका नोटिफिकेशन पढ़िए। इसका नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए। स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।